जय जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा आसमान। अयोध्या में पीएम ने किया शिला पूजन, श्री राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में की प्रभु पूजा, छाया रहा उत्साह। राजीव भवन में जगमगाए खुशी के दीप, श्री राम मंदिर की खुशी में हुआ चालीसा पाठ। और चार फाटक संतोषी माता मंदिर भुजलिया उत्सव समिति द्वारा प्रतीकात्मक रूप से निभाई गई परंपरा, पूजा अर्चना और विसर्जन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे बड़ी खबर, सदियों ने किया इंतजार और इनाम पाया 2020 ने। जी हाँ, जिस वर्ष को घटनाओं, दुर्घटनाओं और आपदाओं ने अपावन घोषित कर दिया था, वही वर्ष 2020 अब प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होते ही धन्य हो गया। हर हिंदुस्तानी के हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन कर श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। छिंदवाड़ा की पवित्र धर्मस्थली छोटा बाजार श्री राम मंदिर में इस शुभ घड़ी के अवसर पर प्रभु की पूजा अर्चना और महाआरती की गई। खुशियों का उफान आतिशबाजी में आसमान छूता दिखा। अगस्त 2020 का यह दिन अनंत अनंत काल के लिए अमर हो गया। छिंदवाड़ा की पावन धर्मस्थली श्री राम मंदिर प्रांगण में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, स्पार्क लाइट की रोशनी में भजन कीर्तन की धुन गूंज रही थी। हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में चार फाटक स्थित धुनी वाले दादा के पावन दरबार में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री राम मंदिर निर्माण शुभारंभ के मंगल उत्सव के अवसर पर सभी भक्तों में प्रभु प्रसाद का वितरण किया गया। ढोल और बाजों की थाप खुशियों की उमंग बनकर छलक रही थी। भक्तों ने उस खुशी की घड़ी में जमकर आतिशबाजी की।
पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही सुखद क्षण है कि 500 साल से जिसका इंतजार पूरा हिंदू समाज कर रहा था वो क्षण अब आया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा जिले में नहीं, समूचे मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में धर्म प्रेमी बंधु इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ। आप यहाँ देख रहे हैं बाजे गाजे पटाखे आतिशबाजी और अन्य मिष्ठान वितरण के साथ साथ शाम को हमारी एक भव्य आतिशबाजी और शुद्ध देसी घी जलाने का कार्यक्रम यहाँ होगा। इसी सारे पूरे छिंदवाड़ा शहर में आप घूम घूम के देख लीजिए, हर मठ मंदिर के सामने इस समय आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ बट रही है, महिलाएँ भजन कीर्तन कर रही हैं, आरती पूजन कर रही है और एक बहुत हर्षोल्लास का माहौल इस समय छिंदवाड़ा में है। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा स्थानीय दादाजी धूनी वाले मंदिर इस प्रांगण में आज यह कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया गया। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में श्री रामोत्सव के पावन अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और नेताओं पदाधिकारियों ने प्रभु पूजन किया। प्रभु श्री राम का भव्य विशाल और अद्भुत मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। इस पावन घड़ी में सर्वाधिक प्रसन्नता किसे हुई होगी, मार्ग की हर बाधा किसने दूर की होगी? श्री राम भक्त शिरोमणि अंजनी पुत्र वीर बजरंग बली ने सारे संकट दूर किए और आज अगर सर्वाधिक खुशी की बात करें तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी की मूर्तियां भी राम भजन में मस्त रही होंगी। युवक कांग्रेस के युवाओं ने अनगढ़ हनुमान मंदिर में राम भजन और चालीसा पाठ कर शुभ घड़ी को नमन किया। प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण के शुभारंभ की खुशियों में राजीव भवन मंगल दीपों से जगमग दिखाई दिया।
विगत कई वर्षों से हम हिंदू भाई बहन आज अयोध्या के मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि विगत कुछ साल पहले भी इसका ताला खुलवाकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया था। खैर, उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो आज दूसरी बार फिर इसका शिलान्यास हुआ है और मंदिर निर्माण कुछ महीनों बाद शुरू हो जाएगा। और आज युवक कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने इस मंदिर निर्माण का यहाँ उत्सव मनाया है। हमें बहुत खुशी है कि आज हिंदुत्व की हिंदुत्व की जीत हुई और सब धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इसका आज यहाँ पर उत्सव मना रही है। साथ ही युवक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज हमने हनुमान चालीसा पढ़कर हनुगढ़ हनुमान मंदिर पर इस मंदिर निर्माण की नींव रखी है। इसके तत्पश्चात आज जिला कांग्रेस कमेटी में हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर इसके बाद हमारी युवक कांग्रेस की टीम हमारे सिमरिया हनुमानदाता के मंदिर वहाँ जाकर भी दीप प्रज्वलित कर मिठाई वितरण करेगी। जय श्री राम। जन जागरण मंच ने श्री राम मंदिर निर्माण शुभारंभ के अवसर पर मानस भवन में कार सेवकों का सम्मान शॉल श्रीफल से किया। चौधरी रमेश सिंह जी, जिससे स्वयं चलना नहीं बनता था उस महिला को जब मैंने देखा वो रहा, तो आप उस समय वहां पर पहुंचे थे तो अच्छा रहता, लेकिन उस माता राम ने जो मुझे वर्णन किया, मुझे उनके साथियों ने बताया कि इस माता राम के पास तीन तीन हेलीकॉप्टर है। तो हमारे साथ था हमारे कार सेवक बंधुओं का सहयोग हमारे साथ था और इसके बाद चले गए, काल के प्रवाह में निजो में मिटा गए। राम का परिवेश, राम का जन्म भूमि पर मंदिर बने, यह आदेश काम का और उस आदेश का पालन करते हुए आज हमारे देश के पद प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हस्ती वहां पर पहुंची और उनके देख रेख में, उनके सानिध्य में भगवान राम के भूमि पूजन का उनको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या करती है आह्वान, हर से कर मंदिर निर्माण, शिव सेनाउत बजरंग दल है, शिव सेनाउत बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है, शिव सेनाउत बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है। करती है आह्वान, हर से कर मंदिर निर्माण। कितने राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, कई लोग तरसते रहे, परंतु हम लोग भाग्यशाली हैं जो आज इस घड़ी के हम आनंद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस समय मजगवा के पास ही चित्रकूट के पहले ही गाड़ी रोक दी गई थी कि कोई आगे ना जाए, और वहां से पैदल भगवान राम की नगरी अयोध्या इसलिए पहुंचे, सबके मन के अंदर ऐसा लग रहा था कि हम कब अयोध्या पहुंचे। आत्मीय बंधुओं को मैं हार्दिक नमन करता हूं। कल्पना कीजिए, 500 वर्ष पूर्व हमारी श्रद्धा का केंद्र जिसको धराशाही कर दिया गया हो, उस पर नवीन निर्माण कर दिया। जय 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 जय
कोटा बाजार के इस हॉल में अयोध्या जी के लिए जो 89, 90 और 92 में कार सेवा हुई थी, उसमें जो कार सेवक बंधु गए थे उनका जन जागरण मंच की ओर से अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। आज अद्भुत क्षण है, आज इन कार सेवकों का परिश्रम, इन कार सेवकों का संघर्ष और आज परिणति के रूप में जन्मभूमि पर भूमि पूजन के साथ संपन्न हुआ और आगे चलकर भव्य दिव्य मंदिर और पूरे विश्व का इकलौता मंदिर अयोध्या जी में बनेगा। उसी ढंग से अयोध्या जी में पूर्ण रूप से व्यू रचना बनाई जा रही है और जिससे कि पर्यटक, धार्मिक बंधु, सामाजिक बंधु सभी अयोध्या में जाकर अपने प्रिय देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर का और दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा हम लोगों का इस कार्यक्रम के अवसर पर पूर्ण विश्वास है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। प्रभु की भक्ति और महिमा अपार है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने राजपाट का वैभव त्याग कर पितृ आज्ञा से जीवन के 14 साल वनों में बिताए, जो अखिल ब्रह्मांड के पालक है, उनके लिए क्या महल, क्या वैभव। जिनका दिया सब कुछ है उन्हें कौन क्या देगा। लेकिन प्रभु भक्ति भावना जरूर देखते हैं। शहर में जुड़वा दो भाई वात्सल्य और वरदान भी जैसे लव कुश की जोड़ी है। गीतांजलि कॉलोनी निवासी एडवोकेट विनोद श्रीवास्तव और विमला सिंगारे के ये दोनों पुत्र भक्ति और गायन प्रतिभा के धनी हैं।
खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन रहने वाला गणेश चौक और पोफली बाड़ा श्रीराम मंदिर निर्माण शुभारंभ की खुशियों में डूबा दिखा। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज वह खुशी का पल आया है, जिसके लिए 78 बार संघर्ष हुए, लाखों हिंदू बंधुओं का बलिदान हुआ और आज अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर और मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन का कार्य हमारे देश के पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी शंकराचार्य, सभी संत महंत, ऐसे देश के 200 मुर्गण्य और हमारे अतिथि वहां पहुंचकर और इस कार्य को और पूर्ण रूप से पूरे मुहूर्त के साथ सही समय पर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी लोगों के खुशी का पल का कोई ठिकाना नहीं है और पूरे छिंदवाड़े में आज दिवाली और कहना चाहिए होली जैसा वातावरण बना हुआ है। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों को, जिले के सभी नागरिकों को इस पावन पर्व के सुअवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। शहर में श्रीराम भक्तों का उत्साह उल्लास देखने लायक था। घरों घर जैसे प्रभु राम की कृपा बरस रही थी, पूजा और भक्ति के अद्भुत रंग। साचो तेरो नाम हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, माता तू ही पिता है, तू ही
माता तू ही पिता है। 500 साल से जो कलंक लगा था बाबर द्वारा जो लगाया गया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से और श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिट गया है। और अयोध्या पर जो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है उससे हम सभी देशवासी बहुत खुश है और सारे देश में खुशी की लहर है। और ये जो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है उसके लिए हम तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं। ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही संभव हो सका है। एकता महिला मंडल ने अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण शुभारंभ की खुशी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी को आज उनकी जयंती पर याद करते हुए सभी की आंखें नम थी। युवाओं ने अपने प्रिय नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की जयंती पर रक्तदान किया। आज 5 अगस्त को स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना जी की जयंती पर हम लोगों ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर रखा गया है। जिस तरह प्रदीप सक्सेना जी ने सारे जीवन भर कमलनाथ जी के निर्देशों पर और उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन भर उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, जो जमीनी काम किया है, जो आज हमारे जिला की जनता के लिए ज़रूरी है, उसी काम से प्रेरित होकर आज माननीय नकुल नाथ, हमारे सांसद, युवा सांसद माननीय नकुल नाथ जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय कमलनाथ जी के आदर्शों पर ही चलते हुए और प्रदीप सक्सेना जी की स्मृति को मन में लिए हुए आज हम कमलनाथ सद्भावना मंच के सारे वरिष्ठों ने और युवाओं ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर रखा है। चूँकि हमें पता है कोरोना चल रहा है और इस कोरोना महामारी में आज जिला अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में रक्त की कमी है और हम चूंकि उस कमी को पूर्णतः पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक प्रयास, एक पहल करी है कि उसी जमीनी कार्य को जो स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी ने अपने जीवन भर किया उसको हम जारी रखेंगे। और इसलिए आज उनके जन्मदिवस पर, आज उनकी जयंती पर हम लोगों ने, सारे कमलनाथ सद्भावना मंच के वरिष्ठों ने और युवाओं ने और सभी साथियों ने मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग रक्त को दान करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में भी श्री राम भक्तों ने दिवस विशेष की शुभ घड़ी में प्रभु पूजन किया।
प्राप्त निर्देश के अनुसार आज संपूर्ण भारतवर्ष में महर्षि विद्या मंदिर की जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पर ये आज पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वर्षों से हम सभी धर्म प्रेमियों के, हिंदू भक्तों के राम के प्रति आस्था है और 500 वर्षों के पश्चात और लाखों कुर्बानियां देने के बाद आज ये शुभ मंगल दिवस आया है। हम सभी ने मिलकर इसको बहुत उत्साह के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा भावनाओं के साथ मनाया है। भगवान श्री राम आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज रात को आप अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें, रोशनी करें, दीपावली मनाएं। आप सभी को रामलला पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छी बारिश भी शहर के कई क्षेत्रों के लिए बुरी खबर बन जाती है। ऐसी यह पहली बारिश नहीं जब शहर के अंदर के नाले जरा सी बारिश में भी उत्पात करते हैं। सोनपुर मल्टी कॉलोनी मार्ग में पड़ने वाला चौहारी नाला घंटों तक ट्रैफिक जाम की वजह बना रहा। मजा आ रहा है। अरे भैया ये ग्लोबल में डाल रहा हूँ। चार फाटक संतोषी माँ दरबार भुजलिया उत्सव समिति ने आज पूजा अर्चना कर प्रतीकात्मक रूप से भुजलिया मनाई। सुकलुढाना क्षेत्र का सार्वजनिक भुजलिया उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कोरोना के चलते में शांतिपूर्वक एवं सौहार्द बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक पर भुजलिया की पूजन अर्चन कर माता रानी की आरती के पश्चात हमारे बजरंग सेना व्यायामशाला के कलाकारों के द्वारा माँ भवानी के सामने सलामी देने का कार और उसके पश्चात हमारे शहर के सभी मुख्य अतिथि जो यहाँ आमंत्रित किए गए थे उनकी उपस्थिति में भुजलिया विसर्जन का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण के कुएं पर ही कोरोना के चलते में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और नियमों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम सहल्लास संपन्न हुआ। हम सभी नगरवासियों को, जिले वासियों को हमारी भुजलिया उत्सव समिति की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाई। उसी के साथ
आज 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन हुआ उसकी भी सभी नगरवासियों को, जिलावासियों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भारत माता की जय, जय श्री राम। श्री राम मंदिर निर्माण शुभारंभ की खुशियों में घरों घर दीपावली सा नजारा दिखा, हर ओर मंगल दीप जगमगाते दिखे। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम तेरा, तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। तीसरी हलचल की सुर्खियां आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। जय जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा आसमान, अयोध्या में पीएम ने किया शिला पूजन, श्री राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में की प्रभु पूजा, छाया रहा उत्साह। राजीव भवन में जगमगाए खुशी के दीप, श्री राम मंदिर की खुशी में हुआ चालीसा पाठ। और चार फाटक संतोषी माता मंदिर भुजलिया उत्सव समिति द्वारा प्रतीकात्मक रूप से निभाई गई परंपरा, पूजा अर्चना और विसर्जन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।